फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बने, इसके लिए प्रत्येक राष्ट्रवादी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हो रहा है। हमारे प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष और ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष वर्तमान में डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी के नेतृत्व में यह ज्वाइनिंग, यह भारतीय जनता पार्टी परिवार का विस्तार निरंतर चल रहा है। इसी क्रम में आज हम सबके मध्य प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव और पूर्व डायरेक्टर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उत्तर प्रदेश सरकार, समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक माननीय प्रमोद कुमार गुप्ता जी आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। मैं माननीय वाजपेयी जी से अनुरोध करूंगा कि उन्हें पटका पहनाकर उनको भारतीय जनता पार्टी में की सदस्यता प्रदान करें। इसके साथ ही होम्योपैथी डॉक्टर, समाज सेवी और नेशनल यूथ कांग्रेस की महासचिव, सरोजनी नगर की अध्यक्ष नेकी की दीवार एक जो अभियान विशेष चला है, और राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर संजीवनी इंडियन रोटरी डॉक्टर प्रियंका मौर्य का हम सभी अभिनंदन करते हैं। माननीय वाजपेयी जी से निवेदन करते हैं कि वह उनको पटका पहनाकर उनका स्वागत करें। इसके साथ ही श्री कृष्ण सिंह अटोरिया जो वर्तमान में लखनऊ में रहते हैं और सेवानिवृत्त हुए हैं, सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं 1984 बैच के, एसडीएम से लेकर अपर मुख्य सचिव स्तर तक जिन्होंने विभिन्न दायित्वों पर अपनी सेवाएं दी हैं। और इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय लोक गायिका अयोध्या फैजा, अयोध्या की जो मूल निवासी है, राष्ट्रव्यापी लोक संगीत कलाकार है और 20 से अधिक देशों में जो अपने कार्यक्रम प्रस्तुत कर चुकी हैं, ऐसी श्रीमती वंदना मिश्रा को मैं माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि वह उनको भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता प्रदान करें। श्री मनोज उर्फ मंटू राघव समाजवादी पार्टी के ये नेता है, 15 वर्षों से समाजवादी पार्टी में पूर्व प्रदेश समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं, सदस्य हैं लोहिया वाहिनी के और पूर्व जिलाध्यक्ष लोहिया वाहिनी, पूर्व नगर अध्यक्ष, प्रबंधक हैं सरस्वती कन्या जूनियर हाई स्कूल के। इसके साथ ही श्री अजीत सिंह चौहान जी जो 2001 से 2005 तक ब्लॉक अध्यक्ष रहे, एटा जनपद में समाजवादी पार्टी के स्तंभ के रूप में जिनकी पहचान है, इनका भारतीय जनता पार्टी परिवार में स्वागत है, वंदन है। श्री शेष पाल सिंह तोमर जी समाजवादी पार्टी के बुलंदशहर के बड़े नेता हैं, बड़ा स्तंभ है वहां, पूर्व राष्ट्रीय एवं प्रदेश सचिव रहे हैं मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के, इनका भारतीय जनता पार्टी परिवार में स्वागत और अभिनंदन है। श्री सोमपाल जी जिला मुरादाबाद के रहने वाले हैं, जिला संयोजक है भारतीय किसान यूनियन टिकैत के, आज इनके साथ 11 ग्राम प्रधान भी भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं, 4 ग्राम प्रधान एवं 22 क्षेत्र पंचायत सदस्य मुरादाबाद में जिलाध्यक्ष जी के समक्ष भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं, उनका भारतीय जनता पार्टी परिवार में स्वागत है। सुश्री सुनीता शुक्ला, श्री सुनील शुक्ला बहुजन समाज पार्टी जिला कानपुर नगर के ये बड़े नेता हैं, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रहे जनरलगंज विधानसभा से, पूर्व जिला सचिव हैं गोविंद नगर विधानसभा के, पूर्व जिला उपाध्यक्ष 5 बार कानपुर नगर के रह चुके हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं। श्री सुनील शुक्ला जी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी में इनका स्वागत है। श्री शिवम बिश्नोई जी कानपुर औरैया शिक्षण संस्थानों के संचालक हैं, पीताम्बरा माई धर्मार्थ ट्रस्ट एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष मानवाधिकार सुरक्षा संस्थान बारे डायरेक्टर RMSP इंस्टीट्यूट के ये संयोजक हैं, और इनका भी भारतीय जनता पार्टी परिवार में स्वागत है, वंदन है। इसके साथ ही ब्राह्मण संरक्षण सेवा फाउंडेशन ये संस्था है, इसके यह भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देना चाहते हैं और इनके अध्यक्ष और महामंत्री जो है यहाँ पर बिंदुसार पांडे जी और महासचिव है श्रीराम मिश्रा जी, इनसे मैं
मैं अनुरोध करूंगा कि वो आए और माननीय हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी से अंग फटका पहनाकर उनका स्वागत करें और भारतीय जनता पार्टी में उनका स्वागत है, वंदन है भारतीय जनता पार्टी की। और मुझे पड़ती है अमेरिका से डांट जब फोटो चलती है, बिटिया वहीं से डांटती है कि बिना मास्क के क्यों थे। आज भारतीय जनता पार्टी के ज्वाइनिंग कार्यक्रम के अंतर्गत आज की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक नाम, समाजवादी पार्टी के परिवार का व्यक्तिगत सदस्य, औरैया के निवासी, पूर्व में विधायक आदरणीय श्री प्रमोद गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हुए हैं। मैं एक उल्लेख यहां पर करना चाहता हूं, वैसे संभवतः आप सबको जानकारी है लेकिन पुनः स्मरण कराना चाहता हूं आपको। मुलायम सिंह जी के परिवार से, वो हमारे आदरणीय हैं, विपक्ष के राष्ट्रीय नेता हैं, उनके परिवार से समधी उनके शामिल हो चुके हैं श्री हरिओम यादव जी, उनकी पुत्रवधु अपर्णा यादव जी शामिल हो चुकी है और आज उनके साहू प्रमोद गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। और परिवार में साहू की क्या कीमत होती है ये आप सब लोग जानते हैं। ये आज भाजपा में शामिल हो रहे हैं, कितना बड़ा संबल भाजपा को मिलेगा ये सब आप उससे तथ्य से विदित है। एक बहन कहूं या बेटी, प्रियंका मौर्य 2012 में होम्योपैथिक चिकित्सक के रूप में अपना कार्य क्षेत्र प्रारंभ किया और कांग्रेस का जो प्रचार अभियान बहन प्रियंका वाड्रा जी ने शुरू किया है, मैं लड़की हूं लड़ सकती हूं कि पोस्टर गर्ल डॉक्टर प्रियंका मौर्य भी आज भारतीय जनता पार्टी परिवार की सदस्य बन गई है। अब वह अपनी शक्ति का उपयोग, अपनी क्षमता का उपयोग 2022 के भाजपा के चुनाव अभियान को बल देने में और गति देने में करेंगे। दो तीन बातें इनके बारे में मैं और बताना चाहता हूं। फेसबुक में 3.5 लाख फॉलोअर, ट्विटर पर 7,000 फॉलोअर, इंस्टाग्राम पर 50,500 फॉलोअर, लिंक्डइन पर 25,000 फॉलोअर के साथ प्रतिष्ठित सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, सामाजिक प्रतिष्ठा व मानक के साथ एनजीओ का संचालन करने वाली डॉक्टर प्रियंका मौर्य आज भाजपा परिवार की सदस्य बन गई। आदरणीय श्री किशन सिंह जी अटोरिया, जिन्होंने आईएएस 1984 बैच के आईएएस और एसडीएम से अपर मुख्य सचिव तक कार्य किया और अंतिम तौर पर प्रशासनिक सेवा प्राधिकरण से लोक सेवा अधिकरण के प्रशासनिक सदस्य के रूप में सेवानिवृत्ति ली और उत्कृष्ट मानक के अधिकारी, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा भी इनके बारे में प्रशस्ति की बातें प्रमाण पत्र इनको दिए गए और साहित्यिक और साहित्य सांस्कृतिक क्षेत्र में भी इनका उल्लेखनीय योगदान है। और उसका कारण है, मूलतः कभी पीढ़ी पहले राजस्थान के निवासी, वर्तमान में भगवान कृष्ण और राधा रानी की धरती मथुरा के निवासी और इस वक्त लखनऊ के निवासी के रूप में है। आज इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, मैं इनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। श्रीमती बंदना मिश्रा, आप सब इनके चेहरे से परिचित होंगे, इनकी लोक गायकी से परिचित होंगे।
अयोध्या भगवान राम की धरती की मूल निवासी, लखनऊ को केंद्र मानकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय लोक कला और गायकी के माध्यम से भारत की प्रतिष्ठा को स्थापित करने वाली आज वंदना मिश्रा जी भारतीय जनता पार्टी परिवार की सदस्य बन रही हैं। हम इनके माध्यम से और इनकी लोक कला और गायकी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के प्रचार अभियान को बल दे पाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। मनोज उर्फ मोंटू राघव सपा एटा नौजवान कार्यकर्ता, नौजवानों में एक जिसे कहना चाहिए ना लड़ाकू सेना, जिसके पास एटा जिले में हो और एटा जिला किनका गढ़ है ये सब आप जानते हैं, उस गढ़ को भेदने वाला कार्यकर्ता मोंटू राघव आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हुआ है। श्री अजीत सिंह चौहान 2001 से 2005 तक ब्लॉक के अध्यक्ष रहे, पूरे एटा जनपद में समाजवादी पार्टी के पर्यायवाची के रूप में इनका नाम जाना जाता है। ऐसे अजीत सिंह चौहान जी भी आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं और इनके साथ एक कार्यकर्ता आ नहीं पाए हैं, दर्जी समाज से हैं, जिला दर्जी समाज दर्जी बिरादरी की सभा के वो अध्यक्ष हैं, श्री त्रिलोकी जी अस्वस्थ हो गए हैं वो आ नहीं पाए हैं। श्रीमान शेषपाल सिंह जी तोमर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के केंद्र बुलंदशहर, जहां से माननीय कल्याण सिंह जी के परिवार के लोग भी चुनाव लड़े हैं जिस जनपद से, उस जनपद से पूर्व राष्ट्रीय प्रदेश सचिव मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के अपने के प्रयास के माध्यम से समाजवादी पार्टी के साथ नौजवानों को जोड़ने का काम किया है, ऐसे शेषपाल सिंह जी तोमर भी भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। श्रीमान सोमपाल जी ग्रामीण क्षेत्र में जनपद मुरादाबाद में अच्छी पकड़, भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिला संयोजक, आज 11 ग्राम प्रधान इनके साथ यहां भाजपा परिवार में शामिल हो रहे हैं और 4 ग्राम प्रधान और 22 क्षेत्र पंचायत सदस्य मुरादाबाद में जिला अध्यक्ष जी के समक्ष शामिल हो चुके हैं। श्री सुनील शुक्ला कानपुर नगर और विधानसभा प्रत्याशी जनरल बैंक, गोविंद नगर विधानसभा बसपा के अध्यक्ष, पूर्व में बसपा के जिला उपाध्यक्ष 5 बार कानपुर में रहे, ऐसे सुनील शुक्ला जिन्होंने व्यापारियों को जोड़ने में कानपुर में व्यापारियों को बसपा के साथ जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया, आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। शिवम बिश्नोई आपको सकल से सूरत से तो ऐसे लग रहे होंगे कि ढीले ढाले से हैं, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र के साथ साथ धार्मिक व शिक्षा क्षेत्र में कानपुर में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। और एक एक परिचय और दे दूं, हमारी पार्टी के महामंत्री श्री सलील बिश्नोई जी के आप भतीजे हैं। कुल मिलाकर आज 11 लोगों ने, जिसमें समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी और प्रशासनिक सेवा के प्रमुख भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हुए हैं, मैं इन सभी का अपने दल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और ये भरोसा करता हूं कि इनके प्रयास से भाजपा के 2022 के चुनाव अभियान को मजबूती मिलेगी। आज ब्राह्मण संरक्षण सेवा फाउंडेशन ने भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया है, उनके 11 कार्यकारिणी सदस्य यहां आए हैं, स्थान के अभाव के कारण उनके अध्यक्ष और महामंत्री जी को मंच पर स्थान दिया गया है, श्री बिंदुसार पांडे जी, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन का पत्र सौंपा है, हम इनके समर्थन को स्वीकार करते हैं और आग्रह करते हैं कि अपने अपने क्षेत्रों में जहां भी उनके कार्यकर्ता हों वहां वो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव अभियान के साथ लगकर अपने अपने बूथ पर भाजपा को विजय दिलाने के कर्तव्य का पालन करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आए हुए सभी महानुभावों को एक बार पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत। जय श्री राम।